रोहतक लोकसभा से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने संसद से बाहर किए गए 15 सांसदों को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया। उनका कहना है कि अगर संसद नहीं चलने देंगे तो और उनके साथ क्या होगा। सांसद अरविंद शर्मा आज रोहतक में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी स्वायत्त संस्था है और किसी के दबाव में काम नहीं करती है। कांग्रेस बेवजह इसे मुद्दा बनाने में लगी हुई है। सांसद ने कहा कि विपक्ष संसद में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है, इस वजह से संसद में हंगामा किया जा रहा है। विपक्षी सांसद किसी भी समय वेल में आ जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि जीएसटी जैसे मुद्दे पर चर्चा हो। जहां तक 15 सांसदों को निष्कासित करने की बात है, तो अगर विपक्ष इस तरीके से हंगामा करेगा तो उनके साथ और क्या किया जाए। वहीं ईडी और सीबीआई बीजेपी के नेताओं पर छापेमारी नहीं करती, तो सांसद महोदय ने कहा ईडी एक स्वायत्त जांच एजेंसी है। बीजेपी सांसद ने रेवड़ी कल्चर के सवाल पर कहा सरकार लोगों की भलाई के लिए योजना लाती है, फ्री से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, मगर केंद्र और राज्य के फ्री राशन फ्री टैबलेट फ्री मोबाइल फ़ोन देने जैसे रेवड़ी और अन्य सरकारों की योजनाओं पर सवाल टालते नजर आए। दूसरी तरफ अवैध खनन को लेकर कहा कि सरकार ने खनन की पॉलिसी बनाई हुई है, यह अन्य राज्यों में भी खनन होता है। देखिए, आपको तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो जो ईडी के पास इन्फॉर्मेशन है उसके तहत में पूछताछ हो रही है और पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, उसके बाद पता लगेगा, उसकी इंक्वायरी पूरी होगी तब पता लगेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते क्या। देखिए एक बात सुनो, सारा काम इंडिपेंडेंट है, ईडी अपने तरीके से करती है, अपने इंफॉर्मेशन से करती है। उसके बारे में उज्जवल भारत के बारे में पूछ लो, पैरावर वाली जमीन कब तक नोटिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि आपके छोटे भाई ने तो वहाँ परशुराम के मंदिर की नींव रखी। देखिए ऐसा है, तो नींव तो पहले रखी जा रही हो, तो 22 तारीख ने रख ली थी नींव, तो नींव तो 22 ने रख दी थी। लेकिन ये है कि सरकार इसमें अपना काम कर रही है, सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, मूलचंद शर्मा जी और हमारे मंत्री कमल जी, सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसको सोच समझ करके काम करी, जल्दी हो जाएगी। आरोप ये लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनके दफ्तर की दूरी बहुत ज़्यादा है कि वो नोटिफिकेशन बन ही नहीं पा रहा है, जल्दी होगी। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी वितरण पे जो है रोक लगा दी, जो योजनाएं हैं सरकारी परियोजनाएं हैं उन पर रोक लगा दी। सरकारी जो योजनाएं जो है इसमें तो देखो, जो केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है लोगों के हित में, उन योजनाओं को तो चालू करने में, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिस पर स्टेटों का के ऊपर भार पड़ता है, स्टेटों पर भार पड़ता है, स्टेट कर्जों के अंडर आ जाते हैं। अगर कई स्टेटों में देखेंगे पहले इतना कर्जा है, फिर हम कुछ फ्री की स्कीमें करते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बला निगरा देखिए, ऐसा है, कोई भर्ती कैंसिल नहीं हो रही, सारा चल रहा है। कुछ अगर इसको मजबूरी होती है सरकार के नोटिफिकेशन में, कई चीज़ें आती हैं, टेक्निकल को बात आती है, उसको पूरा कर लिया जाता है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से काम हो, राज्य सरकारें भी काम कर रही हैं, तो सारा तंत्र है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं सारा। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं इसमें तो कोई फूल प्रूफ नहीं होता नहीं सारा, लेकिन सरकार की तरफ से तो कमी नहीं रहती। सबके सामने होता है, पहाड़ों में खनन, यमुना में खनन, सबके सामने होता है, सबको ये पता होता है कि अवैध खनन चल रहा है। देखिए ऐसा है, एक मिनट यार, खनन की सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई, खनन की पॉलिसी बनाई हुई, उस पॉलिसी के तहत सारा काम होता है, उसमें ऑक्शन करती है सरकार, टेंडर होता है, सारा काम हर एक स्टेट में है, खनन का काम यूपी में भी है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश, हर जगह है। तो ये काम जो है सारा का सारा उनकी पॉलिसी है, पर्यावरण मंत्रालय से डिस्कस करके, एनजीटी से डिस्कस करके, सारा पूरी सलाह लेकर के वो सारा सिस्टम बनता है, उसी के तहत में काम। दही पे चावल पे गेहूं पे मतलब इतना घेर दिया तो मैं उठे नहीं जा रहा। सर ये आम आदमी कैसे जिए, दही पे छाछ पे गुड़ पे आटे पे आटा सारी इस बात चर्चा का विषय है इसमें सारी। देखो जब ये चीज़ें लगती हैं, जब जीएसटी जब टैक्स लगते हैं,
तो पूरा जीएसटी काउंसिल होता है, सुनो भाई, पूरा जीएसटी काउंसिल है देश का, उस देश के काउंसिल में कई देशों के मुख्यमंत्री की, कहीं का डिप्टी सीएम, कहीं का हेल्थ मिनिस्टर, कहीं के सेक्रेटरी, पूरा देश उस काउंसिल में शामिल होता है। तब जब टैक्स लगाए जाते तब वो क्यों नहीं बोलते, तब उनको विरोध करना चाहिए, आए विरोध कर करके भाई नहीं इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है उनके समझ में आता ये हुआ क्यों कि राजनीति करने का जो माध्यम बन गया है कि भाई कोई भी सरकार काम करती है उस पर विरोध करो तो राजनीति हो। संसद के अंदर महंगाई में, बेरोजगारी में तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार तैयार नहीं है, और जब आवाज उठाते हैं तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। देखिए आवाज उठाना दूसरी चीज है, वो प्ले कार्ड लेकर के आएंगे, तख्ती लेकर के आएंगे, दूसरे सांसदों को बाधित करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, अब अदर लैंग्वेज यूज करेंगे। और कल कह दिया, कल क्या दो दिन पहले भी कह दिया है कि सरकार तैयार है महंगाई पर चर्चा करने के लिए। कल आपने पीयूष गोयल जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, सरकार तैयार है महंगाई, सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष ही नहीं चाहता, विपक्ष कहाँ, विपक्ष तो आएगा जो नारेबाजी करने लग जाता वेल में उतर करके। आज भी जो है लोकसभा जो है एडजन होगी, आज भी जो है विपक्ष ने हंगामा किया एडजन के, मतलब उनके को सिस्टम दूसरा है, ये आड़ है कि भाई महंगाई पर चर्चा नहीं, सरकार तैयार है, स्पीकर साहब ने भी कह दिया तैयार है सरकार, कभी भी कोई भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है क्योंकि सोनिया गांधी को ईडी बार बार बुला रहे। देखिए ईडी का जो महकमा है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो इंडिपेंडेंट है, उसमें सरकार का कोई दखल अंदाज नहीं है। हम सोचते हैं भी सरकार आदेश देती है, सरकार का कोई दखल अंदाज नहीं है, वो ईडी अपने हिसाब से काम करता है, ईडी के पास अपनी इंटेलिजेंस है, वो उसे अपने हिसाब से काम करती है और उसी के हिसाब से एक्शन लेती है। अब आप देखें बंगाल में कितना बड़ा घोटाला, ईडी ने एक्शन लिया। अब आप कहोगे सर अरे भाई जब कोई इन्फॉर्मेशन मिली सीबीआई ने इंक्वायरी करी, सारा कुछ हुआ और उसके बाद जो रेड किया तो देखो कितना 20 करोड़ से भी ऊपर जो नगद मिला। आरोप है कि सरकार जो है ईडी का सीबीआई का प्रयोग कर रही है। नहीं गलत है, वो अपने इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो किसी की बात उनको करने की बात नहीं, वो अपने तरीके से खुद अपने तरीके से काम करती है, अपने इन्फॉर्मेशन पर काम करती है। इतना डर है विरोध कर रही है, इतना डर है आज विपक्ष में कि कोई भूमिका नहीं है सीबीआई की और ईडी नहीं कर सकते। खूब बोलते हैं जो विपक्ष में बोलने की कहाँ बात है, विपक्ष जो बात रखता है आप कहते बोलते हैं, विपक्ष पार्लियामेंट में इतना हंगामा करने लगा पार्लियामेंट को चलने तक नहीं देता, आप कह रहे बोलने की बात कर रहे। आप राज्यसभा से 15 सांसदों को निलंबित करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, आखिरी हद तक किया ना, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, तो संसद को चलने नहीं दोगे तो क्या होगा बताओ। बीजेपी के लोग भी डरते हैं किसके, नहीं कोई डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में कोई किसी का डर नहीं है।